है वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र फ्रॉम डी एस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। प्यारे बच्चे, आज मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस, मैं एक स्ट्रक्चर दूंगा, उस एक स्ट्रक्चर से आप चाहो तो हजारों सेंटेंस आप बना सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जो आप बना नहीं सकते हो। आप मुझे बताओ कि जैसे बोलते मैं हंसता हूँ तो आपको अंग्रेजी आता है ना, आई लाफ, लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं हंसाता हूँ तो क्या बोलोगे, फंस गए ना। तो मैं हंसाता हूँ का अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं होता, तो हम लोग क्या होता है कि नहीं बोल पाते, ऐसे सेंटेंस को बना ही नहीं पाते, तो परेशानी हो जाती है। इसलिए करना क्या है कि मैं हंसता हूँ आई लाफ, और मैं हंसाता हूँ, मैं रुलाता हूँ, मैं दौड़ाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। तो इस तरह से वह तुमको दौड़ाता है, वह तुमको दौड़ाता है, वह तुमको हंसाता है, वह तुमको हंसवाता है। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग सोचते तो हैं बट बोल नहीं पाते। तो मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसे सेंटेंस जो भी दिमाग में आए, हजार सेंटेंस बोलो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, एक स्ट्रक्चर सीखो और हजार तरह के सेंटेंस को आज और अभी से बोलना शुरू करो। हमने दिया सेंटेंस कि जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता है, जब खुद से काम नहीं कर रहा, जैसे मैं हंसाता हूं तो मैं नहीं हंस रहा, मैं हंसा रहा हूं, हंस कोई और रहा है, बस मेरे हो तो मैं, वह मुझे हंसाती है तो वह नहीं हंस रही, वह मुझे हंसा रही है, मैं तुम्हें हंसा रहा हूं, बस समझ पा रहे हो, मैं तुम्हें हंसा रहा हूं, मैं तुम्हें रुला रहा हूं, मैं उसे रुला रहा हूं, मैं उसे हंसा रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि एक सेंटेंस दूंगा, एक स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद एम ए के मेक या फिर मेक्स या फिर मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप जितने सेंटेंस चाहे आप बोल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता है, खुद से काम नहीं कर रहा, दूसरे से काम करवाता है, तो उस तरह के सेंटेंस को हम मेक से बनाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या लिखा, मेक मेक्स मेड, ये मेक और मेक्स जो है प्रेजेंट हो गया, और जो मेड बोलोगे ये तुम्हारा पास्ट हो गया, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स मेड, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो हमने सेंटेंस दिया वह मुझे हंसाती है, तो अब ध्यान देना दो सेंटेंस हमने कहा, जब काम करने वाला और करवाने वाला, दो व्यक्ति तो होगा ही होगा, तो जब काम करने वाला और करवाने वाला, समझना मैं आराम से बोल रहा हूं, जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो मेक का प्रयोग कर देना। जब काम करने वाला और करवाने वाला, जैसे हमने कहा वह, ये देखो वह है, मुझे, ये देखो मुझे है, हंसाती है, तो वह मुझे, वह काम किया हंसाने का और मैं काम किया देखो हंसने का, तो वह मुझे हंसाती है। तो काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति है कि नहीं, समझ पा रहे हो। कॉपी कलम निकालो, लिखना शुरू करो, तुम लोग बस देखते हो, हंस साथ साथ पढ़ना शुरू कर लो, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और पूरे भारत में इसे क्रांति की तरह जहर की तरह फैला दो। वह मुझे हंसाती है, सी देखो सी हो गया सब्जेक्ट, मेक मेक्स सी है सिंगुलर तो हो गया मेक्स मी लाफ, सी मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाती है। अगर मान लो बोल दें कि वह मुझे हंसाती थी, है की जगह थी बोल दें, तो यहां जो मेक्स है ये हो जाएगा मेड, तो हो जाएगा सी मेड मी लाफ, वह मुझे हंसाती थी, मैं वह मुझे हंसाती है, सी मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाती थी, अगर थी बोल दें तो सी मेड मी लाफ। समझ पा रहे हो सब लोग। अगर देखो मालती मुझे रुलाती है, मालती मुझे रुलाती है, मालती मेक्स मी क्राई, अगर है की जगह थी कर दूं तो मालती मेड अस, मालती मेड मी क्राई, मालती मेड मी क्राई, रामू हम लोगों को दौड़ाया, रामू हम लोगों को दौड़ा, रामू मेड अस रन, बना पा रहे हो सर, रामू हम लोगों को दौड़ाया तो रामू मेड अस रन। हजार सेंटेंस जितना मगर बोलो, सुधीर तुम लोगों को दौड़ाता है, सुधीर मेक्स यू रन। तो जब काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो मेक का प्रयोग करेंगे। अब मेक और मेक्स हो गया प्रेजेंट टेंस, मेड हो गया पास्ट टेंस, सुधीर तुम लोगों को दौड़ाता है, सुधीर मेक्स यू रन, सुधीर हो गया सब्जेक्ट, मेक्स यू रन काम करवाने वाला, काम करने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद है, राइट। आप हम लोगों को लिखाए थे तो यू मेड अस राइट, तो यू मेड अस राइट, तो प्रेजेंट तो मेक मेक्स,
पास्ट टू मेड, इस तरह से सेंटेंस और दिखाता हूं और बनवाता हूं ताकि कॉन्फिडेंस आपको और आ जाए। तो हमने क्या करा कि जब काम, यहां फर्स्ट में क्या था कि जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो। सब आराम से सुन रहे हो ना, तो आराम से लिख लो, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक, तो आप बढ़िया से लिख लो, हर चीज को देख लो, बढ़िया से हर चीज को जानो और तब आप बढ़िया से पढ़ो। हमने कहा कि जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो। सब लिख दिया हूं आपकी ताकि कॉपी में नोट डाउन कर लो, भूलो नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलूंगा तो भूल जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम सब पर, क्योंकि पढ़ने मन लगाते नहीं तुम लोग। तो सब काम ध्यान रखो कि जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो, करवाने वाला, जैसे मैं तुमको पढ़वा रहा हूं और मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, अंतर दोनों में, तो मैं पढ़ाने का टीच होता है लेकिन मैं पढ़वाऊंगा, तो बात समझना गौर से। तो जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो, तब गेट का प्रयोग करते हैं, गेट गेट गॉट। तो यहां देखो, गेट हो गया, गेट्स हो गया, प्रेजेंट हो गया, और गॉट हो गया तो ये पास्ट हो गया। समझ पा रहे हो सब लोग, गेट प्रेजेंट और यहां पे गॉट क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस भीतरी। तो ध्यान देना, जो पहले पढ़ा था मेक था, तो मेक के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वी वन लगाते हैं, यहां पे गेट है जो भीतरी लेता है, इसको याद कर लो, गेट के बाद भीतरी और मेक के बाद वी वन, याद रहेगा ना। आगे देखो, अब हमने कहा कि जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो, जैसे सर मैं बाल कटवाता हूं, तो मैं बाल कटवाता हूं तो मैं तो काम करवा रहा हूं कटवाने का, लेकिन बाल काट कौन रहा है बताओ, तो कहो सर नाई काट रहा है, कोई ना कोई तो काट रहा होगा, सेंटेंस में है नहीं ना, तो सेंटेंस में होना चाहिए कि जब मैं बाल कटवाता हूं, सेंटेंस में कौन काट रहा नहीं पता, तो इसलिए गेट लगाऊंगा। मैं बोलूं मैं तुमको पिटवाता हूं, तो मैं तुम्हें पिटवाता हूं तो मैं हो गया काम करवाने वाला और तुम हो गए मार खाने वाले, तुमको पीट कौन रहा है नहीं ना पता, तो गेट लगेगा। बात को समझिए गौर से, मैं तुम्हें पिटवाता हूं। अब देखो अगला सवाल देखो, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, सरकार हो गई काम करवाने वाली, काम कर कौन रहा है, गरीब तो घर लेने वाला हो गया, काम कर कौन रहा है, तो वहां पे क्या लगा देंगे हम, गेट लगा देंगे। सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, वहां पे गेट का पे हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है बच्चे। अगला देखो, तो हमने कहा जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो, तो हम गेट का प्रयोग करते हैं और गेट के साथ हमेशा वर्ब का बोलो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखो एग्जांपल, जैकी एक पत्र लिखवाता है, तो जैकी एक पत्र लिखवाता है, तो जैकी काम करवा रहा है, काम कर कौन रहा है, जल्दी बोलो, नहीं ना कोई, हजार सेंटेंस बोलो, एक तरह के सेंटेंस दिया तुम हजार बोलो। जैकी एक पत्र लिखवाता है, तो जैकी गेट्स अ लेटर रिटन, अगर यहां पे मैं लिखवाता था कर दूंगा तो हो जाएगा जैकी गॉट अ लेटर रिटन, जैकी गॉट अ लेटर रिटन हो जाएगा, क्योंकि था कर दूंगा तो गॉट हो जाएगा, है तो गेट से, तो जैकी एक पत्र लिखवाता है, जैकी काम करवा रहा है, कर नहीं रहा, तो जैकी गेट्स अ लेटर रिटन। मोहन सोहन को नचवाता है, मोहन काम करवा रहा है, सोहन को नचवाता है, नचवा कौन रहा है नहीं पता, तो यहां हो जाएगा मोहन गेट सोहन डांस्ड, मोहन गेट सोहन डांस्ड। मैं एक मंदिर बनवाता हूं, तो मैं एक मंदिर बनवाता हूं, तो मैं हो गया काम करवाने वाला, काम कर कौन रहा है नहीं पता, तो मैं हो गया आई गेट अ टेम्पल बिल्ट, भीतरी आ गया। राजू एक मंदिर बनवाया था, तो राजू एक मंदिर बनवाया था, राजू गॉट अ टेम्पल बिल्ट, मैंने उसे पिटवाया था, तो मैंने उसे पिटवाया था, तो मैं हो गया काम करवाने वाला, वह तो कोई काम कर नहीं रहा, तो मैंने उसे पिटवाया था, आई गॉट हिम बिटेन, I got him beaten। ओरली सुनो, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, तो द गवर्नमेंट गेट हाउस बिल्ट फॉर द पुअर, अब बनवाया था कर देंगे तो द गवर्नमेंट गॉट हाउस बिल्ट फॉर द पुअर, क्लियर। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था,
तो शाहजहां ने ताज बनवाया था तो क्या हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था, कौन बनाया था पता, तो शाहजहां गॉट द ताजमहल बिल्ट। बात समझ पाए बच्चे? तो आप हजार सेंटेंस बोलो, आप उसको आराम से बोल सकते हो, बना सकते हो, इजी वे में, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आसानी से देखते हैं। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अब आपको करना क्या है कि यहां पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर का फ्रेम दिया, अब उस पर हमने कहा कि हजार बोलो, हजार तरह से बोलो, आप बोल सकते हो, मुझे भरोसा है। हमने कुछ नहीं किया, स्ट्रक्चर नहीं दिया, हमने फ्यूचर का सेंस ले लिया। अब देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, कि स्ट्रक्चर सब सेम है, सब्जेक्ट माउ लगा दिया, विल या शैल ले लिया, इस विल या शैल के बाद आप चाहो तो गेट लगा सकते हो, गेट के बाद पता है कि V3 आता है, आप चाहो तो मेक लगा सकते हो, मेक के बाद पता है कि V1 होता है। तो आप स्ट्रक्चर होगा जब काम करने वाला करवाने वाला, करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो क्या लगाते हैं, बोलो, जब काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो क्या लगाते हैं, मेक लगाते हैं। और जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो तो क्या लगाते हैं बाबू, गेट लगाते हैं, ध्यान रखना। तो विल सेल गेट प्लस V3 हो गया, गेट और V3 और मेक ऑब्जेक्ट V1, ये ऑलवेज दिमाग में फिट कर लो। यहां पे इज एमआर लगा सकते हो, वाज वेयर लगा सकते हो, हैज हैव लगा सकते हो, जितना स्ट्रक्चर चाहो उतना चेंज कर सकते हो, डरने की बात नहीं। एक सेंटेंस है, हजार सेंटेंस बोलो, मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा, मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा, तो काम मैं करवा रहा हूं तुम दौड़ रहे हो, मैं तुम्हें दौड़ा रहा हूं तो मैं तो काम करवा रहा हूं, ये देखो मैं काम करवा रहा हूं और तुम काम कर रहे हो, दौड़ रहे हो तुम ही ना, तो मैं तुमको दौड़ा रहा हूं, तो काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति है कि नहीं, तो बोलो गेट आएगा कि सॉरी मेक आएगा कि नहीं, तो बोलो आई शैल, आई विल, जो मन करता बोलो, तो आई शैल मेक यू रन, आई शैल मेक यू, देखो आई शैल मेक यू रन, आई शैल मेक यू रन हुआ करी, मुझे मुझे पता है कि आप सब, छोटा बच्चा बड़ा जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, हर बच्चे को दीजिए कि हर बच्चा को सीखने की जरूरत है, क्योंकि मैं हंसता हूं सबको आता है और मैं हंसाता हूं किसी को नहीं आता, सिर्फ आपको आता है। मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, ध्यान दो, तो मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, तो मैं हो गया काम करवाने वाला, तुम्हें पीटेगा तो कोई और ना जो नहीं है, तो मैं तुम्हें, तुम तो ये तो डूअर है, काम करवा रहा है, ये तो रिसीवर है ना, ये काम करवा रहा है लेकिन कर नहीं रहा, कर कोई और रहा है, पीट कोई और रहा है, इसलिए गेट लगाएंगे, जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो तो गेट लगाते हैं। तो मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, आई शैल गेट यू बीटेन, आई शैल गेट यू बीटेन, आई शैल गेट यू बीटेन, समझ पा रहे हो सब लोग, तुम मुझे कब हंसाओगे, यहां ध्यान दो, तुम मुझे कब हंसाओगे, ये हो गया तुम, ये हो गया मुझे, कब हंसाओगे, तो ये काम करवा रहा है और ये काम कर रहा है, देखो हंस रहा है, और कब क्वेश्चन, भाई एक सेंटेंस है, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ, मैं तुम्हें नहीं हंसाऊंगा, आई वोंट मेक यू लाफ, क्या मैं तुम्हें हंसाऊंगा, विल आई मेक यू लाफ, क्या मैं तुम्हें नहीं हंसाऊंगा, वोंट आई मेक यू लाफ, तुम मुझे, मैं तुम्हें कब हंसाऊंगा, व्हेन विल आई मेक यू लाफ, समझ पा रहे हो। तो एक सेंटेंस है, आपको छह बनाना है, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली डब्ल्यूएच नेगेटिव, एक सेंटेंस का छह बनाइए, तब ना आप में टैलेंट आएगा, तब ना आप किसी सेंटेंस को बोल पाओगे, लिख पाओगे, सोच पाओगे। तो हमने कहा तुम मुझे कब हंसाओगे, व्हेन विल यू मेक मी लाफ, व्हेन विल यू मेक मी लाफ, तुम मुझे कब हंसाओगे, तुम मुझे, व्हेन विल यू मेक मी लाफ, तुम घर कब बनवाओ, तुम घर कब बनवाओगे, यानी तुम काम करवा रहे हो, घर बना कौन रहा है भाई, नहीं ना पता, इसलिए गेट लगाएंगे। तो व्हेन विल यू गेट अ हाउस बिल्ट, व्हेन विल यू गेट अ हाउस बिल्ट, तुम घर कब बनवाओगे। तो इस तरह से आप किसी सेंटेंस को बहुत आसानी से बोल सकते हो। मैं कहता हूं आपसे एक बात ध्यान रखिए, अब दिल्ली दूर है ना, ना एक सेंटेंस को हजार बोलो ना, आप दिल्ली आकर मुझसे रूबरू होना चाहते हो,
आप चाहते हो कि सर मैं आपसे क्लास क्लास रूम में बैठकर पढ़ना चाहता हूं, तो दिल्ली आ जाओ ना। दिल्ली अब कोई दूर नहीं है, हर समय नया बैच स्टार्ट होता रहता है, आप आ जाओ। डिस्क्रिप्शन में नए बैच का लिंक दिया हुआ है, आप दिल्ली आकर के बिल्कुल फेस टू फेस मेरे सामने पढ़िए बैठ करके आकर के। दिल्ली कोई दूर नहीं है, मुखर्जी नगर दिल्ली में आना है। उसकी दूसरी बात, अब कोई माता बहने कोई भाई पुरुष जो दिल्ली नहीं आ सकता, दिल्ली आने बिल्कुल असमर्थ है, कहीं जॉब करता है नौकरी करता है दिल्ली नहीं आ सकता, तो उसके लिए आप अपने मोबाइल पर भी अपने लैपटॉप पर भी अपने टीवी पर भी आप मेरा ऑनलाइन क्लास खरीद सकते हैं। जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास में डेढ़ घंटे का बैच, वो आपके मोबाइल पर लाइव हो जाएगा। आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है ना, उस नंबर पर आप कॉल करके पूरा संपर्क कर सकते हैं, या व्हाट्सअप करके भी या फिर कमेंट करके भी आप डिमांड कर सकते हैं। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप टेस्ट देते हो, टेस्ट में आपका कैसा नंबर आ रहा है, तो हमने टेस्ट भी आपको दिया हुआ है, आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट देके मुझे बताइए कैसा नंबर आपको आता है। और वो भी टेस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आप टेस्ट कैसे दें और कैसे उस पर जाएं, तो इस तरह से आप बेहतर क्लास के लिए बेहतर काम कर सकते हैं मेरे बच्चे। और बेहतर काम के लिए इस वीडियो को पूरे भारत में हर बच्चे को शेयर करिए, ताकि हर बच्चे को ये वीडियो मिले और हर बच्चा लाभान्वित हो। मेरी बात ध्यान रखना, इसमें तुम कुछ भी चेंज करना, इसे मार भी लगा सकते हो, वाज भी लगा सकते हो, जब भी लगा सकते हो। आप कहोगे तो इसका और वीडियो मैं आपको बनाकर दे दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर और चाहिए। हमने कोशिश किया है शॉर्ट में ज्यादा देने का और जल्दी से जल्दी काम करने का, तो आप मुझे पता है इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।